So, friends, uh, a very warm welcome to my channel. Today, we are starting with the Sales of Good Act. This topic is very crucial as far as our BCOM honors or BCOM is concerned, uh, and it is important for the student of uh, School of Open Learning, NC Web, as well as regular. So, Sales of Good Act 1930. 1930 applies to whole of india except the state of jammu and kashmir this act is complementary to the contract act why complementary because all the uh, all the facet of contract act is also applicable to the sales of good act now we are discussing certain terminology associated with the uh, with the sales of good act 1930 फर्स्ट इज बायर वॉट इज द मीनिंग ऑफ बायर बायर इज बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में बायर का मतलब वो होता है कि जो बंदा आपके चीज़ को बाय करेगा या अग्री करेगा बाय करना दैट पर्सन विल बी रेफर्स टू एज बायर नाउ वी आर डिस्कसिंग समर फेसेट ऑल्सो और अदर टर्मोलॉजी दैट इज डिलीवरी डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर डिलीवरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने अपने गुड्स का वॉल्ट्री ट्रांसफर किया है आपने अपने गुड्स का पोजेशन मतलब कुछ चीज आपके पास थी आपने वो किसी और पर्सन को दे दी और वॉलेंट्री दी है आपको किसने फोर्स नहीं किया दैट इज बींग रेफर्स टू एज डिलीवरी नेक्स्ट फॉल्ट फॉल्ट का मतलब होता है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या फिर कोई डिफॉल्ट हुआ है दैट इज बींग रेफर्स टू एज फॉल्ट इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नेक्स्ट इज सेलर सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट टाइटल ऑफ द गुड डॉक्यूमेंट टू दाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होंगे आपके आप पास ये गुड्स है सर्टेन गुड्स <coughs> है उसका क्या प्रूफ है आपके पास दैट इज रेफ रेफर टू एज डॉक्यूमेंट टू दाइटल टाइटल ऑफ गुड्स और प्रूफ ऑफ़ पोजेशन और कंट्रो और कंट्रोल ऑफ गुड्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ गुड्स होते हैं बिल ऑफ लैंडिंग बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है जब आपकी शिपिंग कंपनी कोई गुड्स आपके थ्रू uh, थ्रू वाटरवेज आ रहे होते हैं तो वो आपको एक बिल ऑफ लैंडिंग देते हैं वैसे ही आपका एक डॉक वारंट होता है जिसपे शिपिंग पोर्ट अथॉरिटी आपको एक डॉक वारंट देती है वो सर्टिफाई करती है कि इतने गुड्स की कंसाइनमेंट हमारे पोर्ट पर सर्टेन पोर्ट पर आई है नेक्स्ट इज इंसॉलमेंट इंसॉलमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने डेट को पे ना कर पाए अ पर्सन हु कीजेज टू पे हिज डेट इज़ रेफर्स टू एज इंसॉलमेंट नेक्स्ट इज़ प्राइज प्राइस इज अ मॉनिटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स नेक्स्ट इज क्वालिटी क्वालिटी मीन्स के आपके जो गुड्स है जिसको आप परचेज कर रहे हो या फिर इंटेंशन है या आप अग्री करते हो उनको परचेज करने का उसका स्टेटस क्या है उसकी कंडीशन क्या है दैट इज बींग रेफर्स टू एज क्वालिटी नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर डीलिंग विद इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेल्स अ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर इन गुड्स टू द पर्सन फॉर अ प्राइज जब एक सेलर क्या करता है ट्रांसफर करता है या अग्री करता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए टू बायर फॉर अ प्राइस कहने का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब होता है जब एक पर्सन एग्री करता है अपने गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी बायर को पैसे के बदले और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो टाइप के हो सकते हैं ऑप्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इसमें अब भाई हम डिफरेंस देखते हैं कि ऑप्सल्यूट क्या होता है देखो जब सेल हुआ तो वो ऑब्सल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होगा कैसे जब किसी सेल प्रॉपर्टी की या गुड्स की ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली इमीडिएटली कोई हमें टाइम गैप नहीं आया जैसे ही पैसे दिए वैसे ही आपको वो चीज़ उसकी पोजीशन आपको मिल गई दैट इज़ बींग रेफर्स टू एज सेल जैसे कि कैश सेल फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में गए आपने गुड्स परचेज किए और कैश पे किया और इमिडिएटली वो गुड्स आपको मिल गए दैट इज बींग रेफर्स टू एज कैश सेल ठीक है एंड दिस इज नोन एज ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट दिस इज नोन एज ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज अग्रीमेंट टू सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल इज वेन दर इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स

So this is an agreement to sale, not sale. Thank you so much guys. And if you like the channel, then do subscribe.